गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को मैंने नॉर्मल वे में अपलोड किया था, जिसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया। इस वजह से इस वीडियो को मैं फोटो के वे में दोबारा अपलोड कर रही हूँ। यस ऑल एवरीवन, आशू हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट एनिमे सीरीज गॉड ऑफ द यूनिवर्स सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो वीडियो की शुरुआत में नॉर्थन डी अपने सोल्जर को बुलाकर कहता है कि ये लेडी कौन है। तब सोल्जर बताता है कि ये फ्लावर गॉड पैलेस की है, जिसका नाम है तांतायू। मैंने इसके मास्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है और इसका मास्टर 200 साल का है और बहुत ज्यादा ब्रेव है, और बताता है कि फ्लावर पैलेस को डोजन कंट्रीज भी फॉलो करते हैं, और कहता है कि मुझे डर है कि ये कहीं नॉर्थन डी को भी डिस्ट्रॉय ना कर दे, हमारे लिए इनसे लड़ना बेवकूफी होगी। जिसके बाद लेडी बोलती है कि क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद नॉर्थन डी अपनी आर्मी लेकर वापस जाने लगता है। ये देख महल के लोग खुश होते हैं और लेडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम नॉर्थन डी को देखते हैं, जो कहता है कि आज हमने यान को अपने कब्जे में कर ही लिया होता अगर वहाँ तांतायू नहीं आई होती। जिस पर सोल्जर कहता है कि मैं बस हाउटियन क्लेन से डर रहा था। जिस पर नॉर्थन डी कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, हाउटियन क्लेन और फ्लावर गॉड पैलेस हमारे लिए मुसीबत बना है। जिस पर सोल्जर बोलता है कि अगर फ्लावर गॉड पैलेस नहीं रहा तो हाउटियन क्लेन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। नॉर्थन डी कहता है कि ये बात तो सच है, पर वो लड़का कौन है, वो मास्टर कौन है जिसके बारे में वो लेडी बात कर रही थी। इसके बाद सीन सिटी की ओर शिफ्ट होता है, जहां हम लोगों को बात करते हुए देखते हैं कि आज हम एक लेडी के कारण बचे। उसने अकेले ही नॉर्थन डी को डरा दिया और एक कह रहा था कि मेरा कजन सिटी का गार्ड है, उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। इसके बाद हम कोर्ट के सामने बहुत से लोगों को इकट्ठा देखते हैं, जहां एक आदमी घुटने टेके हुए था, जिसके बाद दूसरा आदमी भी उसके पास आकर घुटने टेक देता है। लोग कह रहे थे कि एक को तो हम जानते हैं, वो वुलोंग है, बट ये नया पर्सन कौन है। इसके बाद गेट खुलता है और अंदर से जिया बाहर आती है और कहती है कि तुम यहाँ इस तरह नहीं रह सकते, मास्टर के आंगन में कोई नॉइस नहीं कर सकता। वुलोंग को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद दूसरा मैन कहता है कि मिस जिया, अपने मास्टर से कहिएगा कि चॉपवीड मास्टर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए मुझे गाय या घोड़े के रूप में काम करना पड़े। तब वुलोंग भी कहता है कि मिस जिया, आपके सबक ने मुझे सुधार दिया है, उम्मीद है कि तुम्हारे मास्टर मुझे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ तक कि मैं उनका स्वीपर बनने के लिए भी रेडी हूँ। जिस पर जिया कहती है कि हमारे मास्टर ने कहा है कि यहाँ वुमेन ही अलाव है, मेन की जरूरत नहीं है। ये सुन दोनों हैरान होते हैं और वुलोंग कहता है कि ये बात सही है कि यहाँ मेन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो कहते हैं कि क्या हम अधिक मिलनसार नहीं हो सकते। जिस पर जिया अंदर जाते हुए कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, और कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, और बोलती है कि बाय द वे, फ्लावर गेट पैलेस के बाहरी गेट पर अभी भी 2 अप्रेंटिस की कमी है, बट मैं नहीं जानती कि क्या आप इसको करना चाहोगे या नहीं। तभी चॉपवीड इसके लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद वुलोंग भी इसके लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद जिया बोलती है कि ठीक है, तो मैं इस बारे में मास्टर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, अगर मास्टर इसके लिए एग्री हो जाते हैं तो हम में से एक आउटर सेक्ट का कोई पर्सन तुम्हें लेने आएगा, और ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। जिया के इस वर्क के लिए वुलोंग और चॉपवीड उसे थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद फ्लावर गॉड के आउटर सेक्ट से कोई पर्सन आता है और वो अपना नाम जो यान बताता है और वुलोंग और चॉपवीड को अपने साथ आने को बोलता है, और वो उन दोनों से पूछता है कि आप खराब ट्रेन अप्रेंटिस के पास क्यों गए थे। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो लालटेन लेके मास्टर के रूम की ओर जाती है और मास्टर से कहती है कि आपने जैसा बोला था मैंने सब कुछ वैसा ही अरेंज किया है। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं, जो सर हिलाकर पूछते हैं कि जाओचान कहाँ है, जिस पर जिया बताती है कि वो आपके लिए बात रेडी करने के लिए गई है, और आगे कहती है कि मुझे साओ चैन ने बताया है कि आप कल नॉर्थन डी जाने वाले हैं, जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ। तब जिया कहती है कि मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। इस पर मास्टर उसे मना करते हुए कहते हैं कि वहाँ जाने का रास्ता बहुत लंबा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस ठंडे जगह जाना चाहिए और इतना सफर करना चाहिए, तुम यहीं ठीक से रहो। जिस पर जिया पूछती है कि क्या इवनिंग में सेवा के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मास्टर को खांसी आ जाती है और मास्टर कहते हैं कि तुम अभी यंग हो, जिस पर जिया बोलती है कि मास्टर मैं 18 साल की हो गई हूँ और 18 साल की एज मेजोरिटी की है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, और पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा लगेज रेडी कर दिया है, जिस पर जिया हाँ कहती है। जिस पर मास्टर उसे याद दिलाते हैं कि राक्षसों और देवताओं की टी शर्ट की मेरी कीमती संस्मरण
और जियो की हाथ कठपुतली को रखना मत भूलना। ये सुन जिया कहती है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी, मैं अभी जाकर उसे पैक करती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। बट जाते जाते वो मास्टर से कहती है कि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, और वो जैसे ही मास्टर की ओर देखती मास्टर वहाँ नहीं होते। इसके बाद हम मास्टर को पेंटिंग के आगे खड़ा देखते हैं, जिसके बाद तांताई आती है और वो मास्टर से बोलती है कि मैंने सुना है कि आप नॉर्थंडी जा रहे हैं, जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ, और आगे कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उससे तुम खुश नहीं लग रही हो, और कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, यह उत्तरी साम्राज्य को डराने के लिए काफी है, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तांताई बोलती है कि फिर आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैंने उस दुनिया में 200 साल से भी अधिक समय बिताया है। इस पर तांताई कहती है कि आज आपको मेरी कंपनी की जरूरत है। तभी मास्टर हेजिटेशन से बोलते हैं कि तुम अचानक से ऐसी बात क्यों कर रही हो, जिस पर तांताई कहती है कि तुम हमेशा अकेलापन महसूस करते हो, और पूछती है कि क्या आपको मेरी कंपनी की जरूरत नहीं है। इस पर मास्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि कल मुझे कहीं जाना है, तो तुम आज घर जल्दी जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। इसके बाद तांताई वहां से चली जाती है, जिसके बाद मास्टर खुद से अकेले में बोलते हैं कि मैंने बहुत से सालों से अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिला, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मास्टर को रास्ते पर देखते हैं, जो कहते हैं कि बहुत समय बाद मैं यहां आया हूं, और कहते हैं कि नॉर्थंडी के चारों ओर ठंडी हवा और बर्फ ही बर्फ है। यहाँ के लोग जिंदा रहने के लिए शिकार करते हैं, भूमि की उर्वरता को यहाँ के लोगों ने नष्ट कर दिया, मुझे डर है कि ये लोग इसी तरह अपना आतंक फैलाते रहेंगे। तभी मास्टर को ब्लड की स्मेल आती है और वो अपनी राइड स्पीड और बढ़ा देते हैं, और हमारा एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।